सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे, फिजिक्स का टॉपिक है जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मई में शायद बोर्ड एग्जाम में हर स्टेट के मई में होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, जो कि पाँच नियम है। कितने पाँच नियम है वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। और हमने इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, मैथ्स के भी किए हुए हैं, और सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं इस बार बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। तो आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो आप जरूर वॉच करें, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं टॉपिक। सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, ये कुछ नहीं है, हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। हमने बता दिया शुरुआत में कि पाँच नियम है, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। देखिए पहला नियम क्या है, अब देखिए लिखने का तरीका देख लीजिए आप, आपको लिखना कैसे, यदि आपने ऐसे लिखा तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर थोड़ा बहुत गलत भी लिख देंगे आप तब भी नहीं रोक सकता। देखिए वो पूछे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखिए, तो आपको कैसे लिखना है ये समझाइए। आपको लिखना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पाँच नियम है जो कि निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखे हैं, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अब हम पढ़ते चलते हैं एक एक करके। सबसे पहला नियम क्या है, देखिए प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित, अब देखिए यहाँ पे ये कोई धातु है, ठीक है, क्या है, कोई धातु है, ये कोई धातु है, और यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश स्रोत होगा, यहाँ पे मान लेते हैं सूरज है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ से कोई धातु पे प्रकाश गिर रहा है, यानी कि आपतित हो रहा है। गिरने का मतलब क्या है कि प्रकाश आपतित हो रहा है। तो वही कह रहा है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान, जो प्रकाश विद्युत धारा का मान होता है ना, मतलब ये जो विद्युत धारा है इसका जो मान होता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जो ये आपतित जो रहा है, प्रकाश जो आपतित हो रहा है, इसकी जो तीव्रता होगी इस पर निर्भर नहीं करता है, यही कह रहा है पहले नियम में। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। गाइस इसका मतलब क्या है कि देखिए ये धातु है, लोहे की धातु है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, यदि इस पर कोई भी प्रकाश आपतित होगा, कोई भी प्रकाश हो, यदि वो कोई प्रकाश धातु पे आपतित होगा तो धातु से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई प्रकाश धातु पे आपतित होगा तो जो धातु है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो नियम में क्या करा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो जो उत्सर्जित मतलब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे धातु में से प्रकाश के आपतित होने के बाद, जो उनकी जो गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि जो आपतित प्रकाश है, ये जो आपतित हो रहा प्रकाश, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो प्रकाश आपतित होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरे नियम कह रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे जब आप फिर से वही बात कर रहा है कि धातु पे अगर प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होने ही है, ठीक है, ये धातु है ना, अगर पड़ेगा यानी आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन तो जरूर उत्सर्जित होंगे। तो बोल रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अब बात कर रहा है वो गतिज ऊर्जा की आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। देखिए जो इसकी इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नियम में कहता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है गतिज ऊर्जा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है। आपतित प्रकाश की अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होंगे धातु में से उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं चौथे नियम में। चौथे नियम में क्या कहा था, चौथे नियम में उसने कहा था कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, ये देखिए मतलब आवृत्ति दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होगी अगर वो दहली आवृत्ति से हमारी कम है, ठीक है, किससे, दहली आवृत्ति से, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है हमारी आपतित, हम सीधा प्रकाश की आवृत्ति समझ जाएंगे ना आप, आपतित आवृत्ति अगर दहली आवृत्ति से कम है, किससे, दहली आवृत्ति से कम है, तो चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश, तो चाहे जितनी भी तीव्रता का प्रकाश हो और चाहे जितने समय के लिए आपतित हो,
इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। देखिए क्या कराएगी, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, मतलब ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है, यदि इसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, यदि दहली आवृत्ति से कम है तो चाहे जितनी भी तीव्रता का प्रकाश, चाहे जितने भी समय के लिए धातु पे आपतित हो, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन धातु से नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो ये हो गया चौथा नियम। अब चलते हैं पांचवें नियम पे। तो पांचवा नियम कहता है कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही, मतलब देखिए ये धातु है और ये प्रकाश गिर रहा है, तो कह रहा है कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही, मतलब प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। हमने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही कोई प्रकाश आपतित होगा धातु पर तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जो कि हमें दिखते नहीं है। ठीक है, दिखते नहीं है ना, उत्सर्जन होने लगता है इलेक्ट्रॉनों का। प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरने एवं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने के बीच कोई समय पाश्चात्यता नहीं होती। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब हमारा प्रकाश धातु पे गिरेगा और जैसे ही प्रकाश धातु पे गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेंगे, मतलब ये गले सेकंड का भी फर्क नहीं होगा, ये समझ लेना आप। तो वो वही कह रहा है कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो होगा, सीधी सी बात है। प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरने एवं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने के बीच, मतलब प्रकाश के धातु पर पृष्ठ के गिरने के बाद और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उससे, उनके बीच कोई भी समय पाश्चात्यता नहीं होती, कोई भी समय नहीं लगता है गाइस। तो इतना ही था, पांच टॉपिक थे, पांच मतलब पांच नियम थे जो कि हमने आपको पूरी तरीके से क्लियर करा दिए हैं। उसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है बता सकते हैं, और हमने सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, वहां से जाकर उन वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है आपके। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और यदि हाँ आपका कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।